सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रीप डेट्स में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे नीट 21 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। कुछ बड़े चेंजेज हुए हैं, बहुत ही बड़े चेंजेज हुए हैं जो आपको जानने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो MBBS के कोर्स के लिए नीट का फॉर्म देते हैं, लेकिन MBBS के अलावा और बहुत सारे कोर्सेस में एडमिशन होता है, लाइक यहाँ पे BDS वगैरह में। लेकिन इस बार से कुछ एग्जाम्स में बड़े चेंजेज हुए। उससे पहले बात कर लेता हूँ मैं एप्लीकेशन फॉर्म के डेट के बारे में। सो गाइज, आपको पता होगा एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, फॉर्म फिल नहीं हुआ है। अभी तक NTA ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं रिलीज किया है कब से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा। उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, 5-6 डॉक्यूमेंट्स सेव करके रखने हैं जो आपके पास होने चाहिए, जिसमें पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ का। गाइज, ये मेन मुद्दा नहीं हमारा वीडियो का, मेन मुद्दा मैं आपको भी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को जो आपको सेव करके रख लेने पहले से, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म की डेट नहीं आई है, लेकिन आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चेंज, जो बहुत बड़े चेंज हुए, उसको मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ आपको। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले जान लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स है। जैसे कि आपको पता होगा पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, जो कि यहाँ पे साइज दिया गया 10 to 200 KB और JPG फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ 50 to 300 KB JPG फॉर्मेट में ये भी होना चाहिए। लेफ्ट थंब का यानी कि बाएं अंगूठे का इंप्रेशन जो 50 to 300 KB के बीच होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। उसके बाद सिग्नेचर और आपके क्लास 10th की सर्टिफिकेट। बस ये थी डॉक्यूमेंट्स। लेकिन मैं आपको इस स्टूडियो में जो हमारा मेन मुद्दा है वो है कि क्या चेंजेज हुए हैं एग्जाम्स में, तो उसको आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस बार के नीट एग्जाम्स में MBBS BDS के अलावा BSc नर्सिंग और तमाम कोर्सेज में एडमिशन हो सकते हैं। तो अगर आपको पता होगा पहले BSc नर्सिंग का यूनिवर्सिटी खुद का एग्जाम्स लेती थी, या फिर ये एग्जाम्स आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से होता था, यानी कि जो एग्जाम्स होता था वो आपका होता था इंडियन वेटनरी कोर्स के साथ साथ, और बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन होती थी जो यहाँ पे इंडियन नर्सिंग काउंसिल कराती थी INC, ठीक है। तो अब ये एग्जाम्स होगा नीट के थ्रू, ठीक है। गलत स्टेटमेंट ऑफिशियल अभी पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। इसमें इन्होंने बताया है, ये आर्टिकल NDTV एजुकेशन इंडिया की है, जिसमें साफ साफ बताया गया कि नीट 21 के एग्जाम्स में अब BSc नर्सिंग लाइफ साइंस का भी कोर्स एड होगा। इसके पहले यहाँ पे MBBS BDS आयुष और की एडमिशन सेंट्रल काउंसिल कमेटी के थ्रू नीट एग्जाम्स के थ्रू NTA जो कंडक्ट कराती थी उसके थ्रू होती थी, जिसमें BAMS भी BHMS भी यहाँ पे रोल अपना करता था, ठीक है। लेकिन अब ये इसमें एक और 2-4 कोर्स ऐड होंगे, जैसा BSc नर्सिंग और BSc लाइफ साइंस, इन सब का भी एग्जाम्स अब नीट के थ्रू होगा, इन सब में भी एडमिशन अब नीट के थ्रू होगा। इससे बहुत बड़ी अपडेट से, क्योंकि आप लोगों का और एक ड्रीम होगा कि आप नीट के बाद BSc नर्सिंग करना चाहते हो, तो BSc नर्सिंग का फॉर्म भी अब आपको अलग से फिलअप नहीं करना होगा। अब ये बात यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है कि वो अपना पार्टिसिपेट करती है या नहीं नीट के NTA के इस एग्जाम्स में, ठीक है। तो गाइस, ये बड़ी अपडेट से BSc नर्सिंग को लेकर, BSc लाइफ साइंस को लेकर, BSc नर्सिंग BSc लाइफ साइंस अब दोनों नीट के अंडर में होंगे। नीट 21 इस बार से इस काउंसलिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल और नर्सिंग कॉलेज स्कूल्स जिपमेर के एग्जाम्स के थ्रू यहाँ पे BSc नर्सिंग BSc लाइफ साइंस में एडमिशन लेगी। अब ये गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन जल्द ही आपको NTA के ऑफिशियल साइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। और इसके पहले मैं आपको बता दूँ, 12 मार्च को यहाँ पे नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी गई आपके एग्जाम्स डेट की, लेकिन अभी तक अप्लीकेशन फॉर्म की अप्लाई डेट घोषित नहीं किया गया है। इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक कोई अपडेट नहीं। कुछ दिनों पहले कुछ फालतू के फेक वेबसाइट द्वारा वहाँ पे आपको फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी, एक अफवाह था कि आपका एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए। गाइस, कोई चेंजेस नहीं हुए, सब कुछ आपका 2020 के रिगार्डिंग होगा, जो 2020 में सेम चीज़ यहाँ भी एग्जाम आपका एक बार होगा, 1 अगस्त को होगा, और अभी तक अप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं। यहाँ पे ये साफ साफ बताया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एडमिशन टू रिलेवेंट कोर्स BSc नर्सिंग BSc लाइफ साइंस इन अकॉर्डेंस विथ दियर रूल्स नॉर्मल्स गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस जल्दी पब्लिश कर दी जाएगी। इस बार से MBBS BDS BMS BHMS के अलावा नीट के थ्रू BSc नर्सिंग और BSc लाइफ साइंस का भी एडमिशन हो सकता है। अब ये चीज़ यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है, अगर यूनिवर्सिटी चाहती है, जो भी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट की बात नहीं की जाएगी यहाँ पे, केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को देखा जाए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अगर चाहती है तो आपका नीट के एग्जाम्स इस बार से नीट का BSc नर्सिंग का एग्जाम्स नीट के स्कोर के बेस पे ले सकती है। ये NTA का ऑफिशियल आर्टिकल स्टेटमेंट है। उसे क्लियर कर दूँ, अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं, तो जिसको एग्जाम्स के लिए कम टाइम बचा हुआ है, अभी पूरा 5 महीने का टाइम बचा हुआ, तो 5 महीने में आप अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो गाइस, स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।